हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक प्रोग्राम माइंड। आज की इस वीडियो में हम टाइप एट्रीब्यूट का एग्जांपल देखने वाले हैं। टाइप एट्रीब्यूट्स के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखेंगे। टाइप एट्रीब्यूट्स के साथ हम मीडिया का यूज़ करते हैं, मतलब मीडिया एट्रीब्यूट्स के बारे में यूज़ करते हैं। मैंने मीडिया एट्रीब्यूट्स को आपको पहले बता चुका हूँ, मीडिया एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। टाइप एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है कि ये देखिए, पहले ये समझिए, ये मेरा ये पेज है, मेरा एच आर डॉट एस टी एम एल, आपको दिखाता हूँ। ये एच आर डॉट एस टी एम एल पेज है। मैंने क्या करा है कि इसको इससे लिंक कर दिया, ठीक है। ये एच आर लैंग्वेज लैंग्वेज बता रहा है, सिंपली ये वाला पार्ट लैंग्वेज बता रहा है। इस पार्ट की लैंग्वेज इंग्लिश है, ई एन का मतलब कोड होता है। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, आपको नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा वीडियो। ये लैंग्वेज बता रहा है इंग्लिश टाइप की है। ये मैंने एच आर एफ में क्या करा है, पेज लिंक कर दिया ये वाला, ठीक है। मैं इसकी लोकेशन मैंने नहीं लिखी क्योंकि दोनों सेम पेज सेम जगह सेव करे हुए हैं, इसलिए मैंने लोकेशन पूरी नहीं लिखी है। अब क्या करते हैं, इसमें हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। वैसे टाइप एट्रीब्यूट्स का यूज़ क्यों करते हैं, टाइप एट्रीब्यूट्स का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए, ये पेज है हमारा, ये वाला पेज जो मैंने लिंक करा है, इससे जब हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, पहले मुझे आपको लिख के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद समझाता हूँ। यहाँ लिखिए, पहले टाइप लिखिए, इक्वल लगाइए डबल कोट्स के अंदर। ये देखिए, टाइप किस टाइप का, मतलब ये पेज है, इसका टाइप क्या है, ये टेक्स्ट टाइप का पेज है ना, मतलब इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इसको इसका हम टाइप बताएंगे कि ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट स्लैश लगाना है एस टी एम एल, ये इसका टाइप बता रहा है कि ये पेज जो हमने लिंक करा है, इसका टाइप टेक्स्ट है। और मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एच आर एफ लैंग में मैंने वीडियोज़ का लिंक दिया होता, तो आपको यह मीडिया लिखना पड़ता, मीडिया स्लैश एस टी एम एल। आप गूगल पर सर्च करिएगा कि टाइप एट्रीब्यूट्स के एग्जाम्पल, तो आपको हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल मिल जाएंगे। मैं सिर्फ आप में पर्टिकुलर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जो भी एग्जाम्पल जो भी लिखेंगे यहाँ पे, उसको पैटर्न यही रहेगा आपको लिखने का, ठीक है। ये सिर्फ आपको पेज बता, जो भी आप लिंक कर रहे हैं उसका टाइप बता रहा है। अगर आप मीडिया वीडियोज लिंक कर रहे हैं तो मीडिया, ऑडियो लिंक कर रहे हैं तो ऑडियो। ये यहाँ पे मैं टेक्स्ट को लिंक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है मैंने स्लैश एस टी एम एल, ठीक है। अब इसको सेव करा मैंने, अब इसको रन करते हैं। देखिए, ब्राउजर पे आपको कोई ज़्यादा इफेक्ट तो मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे इसको रन करा, इस पर क्लिक करा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहा। ये सिर्फ आपकी जब आप ब्राउजर, मतलब जो आप इस ब्राउजर यूज़ करते हैं वाला, जो भी आप, तो उस पर ये इंटरनली वर्क करता है। ये आपको वेब पेज पे शो नहीं होगा कि आपने टाइप किस टाइप का, ये तो सिर्फ ब्राउजर को जाता है, सर्वर के पास जाता है ना, तो उसको जाता है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर्वर वगैरह में किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आप इसलिए सिंपली ये समझिए कि सिर्फ टाइप पे जाता है आपके पेज को जो लिंक कर रहे हैं आप, ठीक है। अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।